गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपने फिफ्थ चैप्टर को आगे की ओर चलते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे रोपण कृषि के बारे में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। यूरोपियन लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपियन उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौध लगाई। देखिए, आपने ध्यान रखना है, ये जो फसल है रोपण कृषि की जब हम बात करते हैं, ये मोस्टली है सारी की सारी उपनिवेशीकरण की देन है। ठीक है, जितने भी जो है यूरोपियन जो लोग थे, उन्होंने क्या गुलाम जो बनाए हुए देश थे उनके ऊपर क्या चाय की बात करें, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले की बात करें, तो उन्होंने इनके ऊपर ये फसलों को क्या उगाना शुरू किया था भाई। और ये बहुत ज़्यादा क्या उस समय क्या फ़ायदेमंद होती थी और आज भी क्या काफ़ी लाभ के लिए मानी जाती है कि भी यहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाभ उत्पाद किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, आपने ध्यान रखने वाली पर ये बात है कि भी एक तो ये बात रखनी है कि भी इसकी शुरुआत यूरोपियन लोगों द्वारा की गई थी, जहाँ पर उनके जो गुलाम देश थे उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया की थी। उसके बाद इन फसलों के नाम आपने याद रखने हैं कि भी प्रमुख रूप से वो ये फसलें उगाते थे और इनकी एक करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगी कि भी ये सारा का सारा एक साल चलने वाली फसल होती है भाई। उसके बाद इस कृषि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत होता है। कन्फर्म कर लें कि बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, बहुत ही बड़े चौड़े क्षेत्र के ऊपर ये उगाई जाती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सबसे कंपलसरी बात है, एरिया बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, आपको पूंजी की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता रहेगी। ठीक है, आपको पैसा बहुत लगाना पड़ेगा। अब क्या है कि ये सारे के सारे क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए क्या उसका मैनेजमेंट करना, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए और हाई मैनेजमेंट आपको इसके लिए चाहिए। और इसके लिए क्या कि भी जैसे कि बताया गया कि जो साइंटिफिक तरीके से आपको क्या है इसमें करनी पड़ेगी, कार्य करने पड़ेंगे, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, सिंपल सी बात है, ये है जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, यह एक फसली कृषि जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही केंद्रण किया जाता है। मोस्टली केवल एक ही फसल बोई जाएगी, जो ये फसलें बताई गई हैं ऊपर की तरफ, इनमें से कोई आपको एक ही फसल देखने को मिलेगी कि उन्हीं का उत्पादन किया जाता है। और मुख्य रूप से ये फसलें भी वो होती हैं जिसमें क्या है सारा का सारा साल एक साल वो ही फसलें चलती हैं भाई। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, यातायात विकसित होता है और कोशिश की जाती है कि आसपास के क्षेत्र में क्या कि भी जो श्रमिकों की संख्या वो सस्ती मिले और ज़्यादा संख्या में मिले और सस्ते मिले भाई। और यातायात आपका विकसित बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाज़ार सुचारू रूप से जुड़े रहे। इसमें क्या कि भी जिस प्रकार से हम कोई भी एग्जांपल ले ले, चाय का ले ले, कॉफ़ी का ले ले, हम कि उसमें क्या है उनकी पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, तो श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा रहती है और उसके बाद उनको क्या है वहाँ से क्या मार्केट तक पहुँचाने के लिए क्या हमारा क्या ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत अच्छी प्रकार से होना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी बातें होती हैं। उसके बाद फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोवा की पौध लगाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप में गन्ना एवं केलों के बाग विकसित किए गए थे। ठीक है, देखो वैसे तो क्या है ये मैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने आप इसको क्या स्पेशल प्रिपेयर किया था इस मैप को, और वहाँ से आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और यहीं से आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी कन्फर्म हो जाएगा कि भी जैसे फ्रांसवासी थे उन्होंने अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोवा के पौध लगाए, ब्रिटेन वासियों ने भारत और लंका में सभी जानते हैं चाय का उत्पादन शुरू किया था, मलेशिया में रबड़ का उत्पादन शुरू किया उन्होंने, और जो हमारा वेस्ट इंडीज़ है वो जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड की तरफ, वहाँ पर उन्होंने गन्ना और केले का जो है विकसित किया था बहुत बड़ी मात्रा में भी। स्पेन एवं अमेरिकी वासियों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। उसके बाद आगे की तरफ है ये क्या है कि भी जो अमेरिकी वासी हैं और फिलीपींस में क्या लगाए उन्होंने नारियल और गन्ने के जो है बाग लगाए थे। इंडोनेशिया में एक समय में गन्ने कृषि की जाती थी, कृषि में होलैंड वासी यानी डचों का एकाधिकार रहा है। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है यूरोप वासियों के नियंत्रण में रहा भाई। इस प्रश्न को जरूर याद कर लेना क्योंकि ये काफ़ी समय हो चुका है इस प्रश्न के बारे में पूछते नहीं, और शायद ये तीन चार बार हो चुके हैं कि इस पर ये प्रश्न कभी आया ही नहीं है पेपर के अंदर, तो अब की बार चांसेस हैं कि भी ये प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाएगा कि भी जो अब ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको फेजेंडा कहते हैं और ये सारे के सारे क्या यूरोपीय वासियों के नियंत्रण में हैं। लेकिन यदि और इलाकों की बात करें तो वर्तमान में सभी बागान और का स्वामित्व देश की सरकार या नागरिकों के नियंत्रण में चला गया। पहले था जब उपनिवेशीकरण था तो उसमें सारा का सारा जो कंट्रोल किया होता था वो सारा सारा हमारे यहाँ पर क्या है वो उपनिवेशिक जो देश थे जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो उनको कंट्रोल में रखती थी भी।
उसके बाद हम बात करते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की भी। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूँ होती है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जो राई एवं जय भी बोई जा सकती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्र से संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, इस जो कृषि की है, जैसे कि बताया गया अनाज कृषि है, स्पेशल क्या कि आपको अनाजों का उत्पादन होकर देखने को मिलेगा। अब शब्द विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा इलाका, वाणिज्यिक शब्द से समझते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए, और अनाज, अब तीनों शब्दों को अलग अलग कर ले, बहुत बड़े एरिया के ऊपर व्यापार करने के लिए जो अनाज की कृषि की जाती है उसको विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की कृषि कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्या है, मिड लैटिट्यूड्स के अंदर क्या है कि जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों की बात करेंगे वहाँ पर होती है। जो प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूँ है, लेकिन इसके अलावा क्या मक्का, जौ, राई इत्यादि हैं, ये भी आपकी बोई जा सकती है। अब क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में वाणिज्यीकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्या है कि आपको इसमें क्या टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो सारा का सारा काम अभियंतर से करते हैं, अभियंतर से काम करेंगे, सिंपल सी बात है, मनुष्य तो है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पर हेक्टेयर जो उत्पादन की बात करेंगे अगर, वो तो आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन यदि हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति उत्पादन की तो वो आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें तो सिंपल सी बात होती है। उसके बाद है इस साइड में, इस प्रकार की कृषि का अक्षेत्र यूरेशिया के स्टेपिज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अमेरिका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटम्बरी के मैदान होते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपने कभी पहले अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जैसे कि यूरोप और एशिया का जो पोर्शन है वहाँ पर जो ग्रास लैंड होते हैं उन ग्रास लैंड को स्टेपिज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के ग्रास लैंड को प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में वेल्स कहते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटम्बरी का क्षेत्र होता है। यानी कि ये सारे के सारे ग्रास लैंड है और इन ग्रास लैंड में ये जो कृषि है बहुत बढ़िया प्रकार से उगाई जाती है भाई। उसके बाद है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरणतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कन्फर्म कर लेना, जो मिक्स फार्मिंग है वो क्या डेवलप्ड कंट्री हैं उन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये एरिया आपको बताया गया। उसके बाद इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जो रोई, राई, जई, मक्का, चारे की फसलें एवं कंदमूल प्रमुख रहते हैं। अब क्या है, जो गेहूँ इसकी सबसे प्रमुख है, इसके अलावा ये, और दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो चारे की जो फसल होती है पशुओं के लिए वो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। चारे की जो फसलें होती हैं मिश्रित कृषि के मुख्य घटक होते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो इसको कन्फर्म कर लेना, मिक्स्ड फार्मिंग की जब भी बात आए तो चारे को याद कर लेना भी आप लोग। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों इसमें समान महत्व रहते हैं। अब मिक्स्ड फार्मिंग का यही कारण होता है कि भाई इसके अंदर क्या किया जाता है, आप कृषि तो कर रहे हैं साथ के साथ वहाँ पर पशुपालन के ऊपर भी बहुत बड़ी मात्रा में फोकस किया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आय के मुख्य स्रोत होते हैं। यानी कि क्या फसल करें लेकिन इसके साथ आप किसी एक विशेष प्रकार के जानवर को पालेंगे, आपने भेड़ पाल लिया, मवेशी पाल लिया, सुअर पाल लिया, कुकुर पाल लिया, तो ये आपको इनकम का स्रोत क्रिएट करते हैं। उसके बाद है सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। ये भी याद कर लेना, अभी दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, क्रॉप रोटेशन बोला जाता है इसको, सस्यावर्तन को क्रॉप रोटेशन यानी कि फसलों को हेर फेर करके बोना सस्यावर्तन कहलाता है। उसके बाद अंतः फसली कृषि मृदा, इसका मतलब क्या है कि बीच बीच में आप कोई यहाँ पर कोई दूसरी फसल, यहाँ पर कोई दूसरी, फिर यहाँ पर कोई दूसरी, इस प्रकार से मिक्सिंग आप मिक्सिंग कह सकते हैं, इसलिए इसको मिक्सिंग कृषि के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो आपको क्या कि एक ही समय में क्या है अलग अलग प्रकार की जो कृषि आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनका काटने और बोने का समय है वो आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोनों प्रक्रियाएँ क्या करती है, मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, ठीक है। इसकी एक विशेषता रहती है क्योंकि इस पोर्शन में क्या कि जब भी आप ये रखते हैं कि भी मान लीजिए ये काट लिया आपने, ये पोर्शन बच गया, उसके बाद आपने इसके स्थान पर जो काटा इसके स्थान पर कोई दूसरी फसल बो दी, उसके जब आप इसको काट रहे हो तो उसके बाद क्या है कि आपकी ये फसल खड़ी हुई है, तो मृदा अपरदन के जो चांसेज होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि जो है उर्वरकता शक्ति होती है, फर्टिलिटी है, उसको इनक्रीज करती रहती है। और क्रॉप रोटेशन में क्या है कि भी जो हमारी जो ये सॉइल होती है उसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है, जिसमें क्या है कि भी वो अपने फसलों के माध्यम से भी उनको प्राप्त करती है। इसलिए अगर आप फसलों को हेर फेर करके बोएंगे तो जो फर्टिलिटी है वो कभी भी जो मिट्टी कभी लूज़ नहीं करेगी, और इसलिए क्या माना जाता है कि फर्टिलिटी को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विकसित कृषि यंत्र।
इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता रहती है। इसमें भी आपने ध्यान रखना कि भी खादों का प्रयोग किया जाता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आप कृषि करें, साथ के साथ पशुपालन भी आपको देखने को मिल रहा है। और कुशलता आपको चाहिए कि यानी कि श्रमिक आपके अच्छे होने चाहिए। कृषकों की बात कर सकते हैं आप, वहाँ पर क्या उनकी कुशलता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है।